ऐसा ही है बिग बॉस का घर, दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाए और दुश्मनी कब दोस्ती में बदल जाए पता ही नहीं चलता। जी हाँ, आखिर मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी पूरी बात इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फिल्म विंडो। बिग बॉस 14 के घर की अगर मैं बात करूँ तो हमें एक बॉन्डिंग आगे नजर आने वाली थी, दोस्ती, प्यारी सी बॉन्डिंग पवित्र पुनिया और राहुल वैद्य के बीच में। पहले दिन की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से पवित्र पुनिया गाल पे किस देती हैं दोस्त की तरह राहुल वैद्य को, जिसकी वजह से देखा जाए तो उनका एक टास्क जो उन्हें दिया जाता है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर दोनों के बीच में फ्लर्टिंग चालू हो जाती है, एक दूसरे से बातें, क्लोजनेस, अकेले बातें करना, तो ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। फिर वादा करते हैं कि पवित्रा कहती है कि तुम क्या कर सकते हो, तो राहुल कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जब भी बोलोगी, जो भी मांगोगी, वादा करता हूँ मैं पूरा करूंगा। फिर नॉमिनेशन टास्क आता है और जो उनका वादा और जो उन्होंने किया होता है वो वादा ही वो तोड़ देते हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली घर के अंदर सब गेम खेलने आए हैं, वादा निभाने थोड़ा आए हैं। तो फिर इस तरीके से वादा तोड़ देते हैं और पवित्रा कहती है कि इस पर विश्वास करने लायक ही नहीं है, आज ही वादा किया था और आज ही वादा तोड़ दिया। फिर उसके बाद अब देखा जाए तो जो प्रोमो आया है कल के दिन का, उसमें नजर आ रहा है कि किस तरीके से दोनों के बीच में एक बड़ा झगड़ा नजर आ रहा है। एक दूसरे को बहुत सारी चीजें वो बोल रहे हैं, जैसे राहुल वैद्य ने कहा तू दादा नहीं है यहाँ का, तो पवित्रा कहती है कि हूं मैं दादा, तो बोलती खाना बनाने आता है क्या, कैसा खाना बनाती है, तो फिर पवित्रा कहती तो मत खाना, खाना मत खा, मरो खा के मत, ऐसी सारी चीजें मतलब वो बोलती हैं। अब एग्जैक्टली क्या है, किस वजह से हुआ, ये जो पूरी बात है ये हमें तो जब एपिसोड कल का ऑन एयर होगा तभी हमें पता चल पाएगा, तो उसका तो हम इंतजार करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो प्रोमोज होते हैं वो बहुत ज्यादा मिसलीडिंग होते हैं, तो हम पूरी तरीके से भरोसा तो नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से थोड़ा बहुत नजर आ रहा है तो उससे लग रहा है कि अब ये जो दोस्ती थी अब दुश्मनी में कहीं ना कहीं बदलने वाली है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, मुझे बताइए कि आप लोगों की क्या राय है पूरी बात कमेंट सेक्शन में, और आपको क्या देखना है दोनों के बीच में, दोस्ती या फिर दुश्मनी, मुझे बता दीजिए। और देखते रहिए फिल्म विंडो इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।